और अगली खबर उत्तर प्रदेश के सौसी जनपद की गिलोला थाना क्षेत्र के भरथापुर से सामने आई है, जहां पर बाइक और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 18 वर्षीय अंकित कुमार पुत्र सुरेश कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनके पैर में फ्रैक्चर बताते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। आप सभी का सबसे तेज खबर सौसी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सौसी जनपद के थाना क्षेत्र गिलोला इलाके के भरथापुर से सामने आई है, जहाँ पर दो बाइकों की टक्कर हुई। बताया जा रहा है अंकित यादव पुत्र सुरेश कुमार यादव बाइक पर बैठकर अपने घर जा रहे थे, तभी विपक्षी बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। ऐसे में दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जबकि बाइक पर बैठा अंकित यादव गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद उसे इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद अंकित यादव के पैर में फ्रैक्चर बताते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। सौसी जनपद के गिलोला थाना क्षेत्र के भरथापुर के पास की यह घटना, जहां पर दो बाइकों की टक्कर में 18 वर्षीय अंकित यादव पुत्र सुदेश कुमार यादव, जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, उसके चाचा बाइक चला रहे थे, वो घायल हुआ। बताया जा रहा है दूसरा बाइक सवार मौका पाकर मौके से फरार हो गया। ऐसे में उसे इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसके पैर में फ्रैक्चर बताते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। उत्तर प्रदेश के सौसी जनपद के गिलोला थाना क्षेत्र के भरथापुर की यह घटना, जहां पर दो बाइकों की टक्कर में 18 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसके पैर में फ्रैक्चर बताया और उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। जहां एक तरफ लोग होली का उत्सव धूमधाम से मना रहे थे, वहीं कई परिवारों में होली का उत्सव मातम में बदला।